रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कैसा टॉपिक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ये मानता हूं कि ये क्लास टेंथ का ना सबसे मुश्किल टॉपिक है समझने में, दिख रहे हैं यहां पर। हाँ, एक बार पोल करवाते हैं, चलो एक बार पोल करवाते हैं कि आपको आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फील आई है स्कूल में कि नहीं आई है, वो टाइप। ठीक है, देखो अगर फील आई है तो वोट अप करना, और फील नहीं आई है तो वोट डाउन करना, ठीक है ना, वोट अप या वोट डाउन। ओके, 61% ने वोट डाउन किया है। 61% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर भाई, 50% से काफी आगे है ना, यानी मोर देन 50% बच्चे, 60% बच्चे जो कह रहे हैं उनको फील नहीं आई है, 30% कह रहे हैं कि फील आई है स्कूल के अंदर, ठीक है, ओके। तो मैं देखना चाहूंगा कि भाई ये परसेंटेज वाला नंबर जो है ना, कौन सा वाला, वोट डाउन वाला जो है वो वोट अप में बदल जाएगा। मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वोट डाउन वाला जो है वो वोट अप में बदल जाए। One hour later. टाइम डायर भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एक बार अगर 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 वो वाला पोल जो मैंने स्कूल वाली बात पर किया था वो पोल मैं दोबारा करूं अगर, तो इंप्रूव्ड रिजल्ट आएगा क्या, बोलो। तो रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव होगा क्या? क्या था, 61% 62% बच्चे कम से कम ये कह रहे थे कि हमको फील नहीं आई थी। अब मैं देखता हूं जरा आप लोगों में से कितने बच्चे कह रहे हैं कि फील आई है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि फील आई है। वोट अप करना अगर फील आई है, और वोट डाउन करना अगर फील नहीं आई है। वोट अप करना अगर फील आई है, और वोट डाउन करना अगर फील नहीं आई है। वोट अप करना अगर फील आई है, अबव 90 जाएगा। अच्छा, मेरा स्कोर है ये, है अबव 90 जाएगा। वोट अप करना अगर फील आई है, और वोट डाउन करना अगर फील नहीं आई है। हाँ, 61.8% था पिछली बार, है ना, देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट है। भाई इतना आसान नहीं है, ना समझाना आसान है ना समझना आसान है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई आप होनहार छात्र हो, है ना, लेकिन समझाने में मेरा तेल निकल गया, यानी मैं अच्छा टीचर तो पक्का नहीं हूं, है ना। अच्छा टीचर तो पक्का नहीं हूं भाई मैं, है ना, मेरा तो तेल निकलता है इसको समझाने में, क्योंकि बहुत बहुत डीप चीजें हैं। सफल हो गया भाई, ये मेरे मार्क्स हैं भाई, ये मेरे मार्क्स हैं, और इतने ही तुमने, इससे ज्यादा तुमने लेकर के आने साइंस में, समझ गए ना, ये मेरे मार्क्स हैं। और हर टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट उसको सीढ़ी बनाए और हमसे भी ऊपर निकले, है ना। तो अगर ये मार्क्स तुमने मुझे दिए हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम इससे ज्यादा लेकर के आओगे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, इससे ज्यादा लेके आओगे तुम मार्क्स। अपने बोर्ड एग्जाम में वादा करो कि मुझसे, सर जी आपसे तो ज्यादा ही जाएंगे, हम आपसे तो ज्यादा ही बढ़ेंगे, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है ओके। तो यस, हम लोग